मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुमरा रेलवे स्टेशन पर उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां दिव्यांग बच्चों ने स्टेशन की साफ सफाई कर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। साथ ही ट्रेन यात्रियों को भी स्टेशन पर न थूके और सफाई का ख्याल रखने को कहा। वहीं रेलवे की तरफ से RPF AK यादव ने भी माई लेफ्ट इज माई राइट यात्रियों को बाएं तरफ से चलने की अपील की। साथ ही रेल पटरी ना पार करें, हमेशा पैदल पुल का इस्तेमाल करें। साथ ही लोकल ट्रेनों में चढ़ने और उतरते वक्त बेहद सावधानी रखने की अपील की है। इस मौके पर उम्मीद फाउंडेशन के परवेज और रूता अवार्ड AK यादव ने क्या कुछ कहा है। शौक पालो, आपका पैसा आपकी सेहत है, लेकिन ये आजू बाजू की जो गंदगी भी लोग वही फैलाते रहते हैं जो ये सब खाते हैं। सो भगवान अल्लाह उनका भला करे। और हमें बहुत शर्म की बात है कि हमको सफाई अभियान करना पड़ता है, वो भी इन बच्चों को लेकर। ये हम सब बुद्धिवादी, खुद को बहुत होशियार, खुद को बहुत स्मार्ट समझने वाले लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। सफाई आधा ईमान है, सिर्फ हदीस तक ही लिमिटेड है ऐसे लग रहा है मुझे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ इन बच्चों ने किया है, थोड़ी तो शर्म करो यार। हमारे इनके जैसे बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी होंगे, तो सोचो मतलब हमारी की हुई गंदगी ही वो बच्चा साफ कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कल फिर से हम लोग गंदगी करेंगे। मेरे समझ में नहीं आता कि डस्टबिन है, हमारे रेस्टोरेंट वाले बेचारे इतने सुबह शाम साफ करते हैं, लेकिन इस मुमरा शहर में हमने रास्ते बनाए हैं, उसको अच्छा किया, गलियां बनाई, सब कुछ किया, लेकिन कचरे के ताल्लुक से क्या करना चाहिए हमारे पास आज तक इस बात का सलूशन नहीं है, आज तक हमको मिला भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता है अगले आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। जब हम लोग दोनों मिलते हैं तो हम लोग सिर्फ कचरे की बात करते हैं। वो बोलता है अरे भाभी मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे सोसाइटी में हम लोग नीचे खड़े रह के सोसाइटी में बात करते हैं ना, 10 में से 7 बार ऊपर से फैली आती। उस दिन आवर साहब के सर के ऊपर अंडा आया था, अंडे के छींटे। ये क्या तरीका है, मतलब इसको मजाक में ना ले यार प्लीज। उन कचरे के वजह से बीमारियाँ कंट्रोल में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे मालूम है आप सब सुन रहे हो, मुंडी हिला रहे हो, आगे जाके आप वही करोगे जो आज तक करते आ रहे थे, क्योंकि उसमें हमारा ईगो है। अगर हमको कोई बोलता है ना ये मत करो, तो हमको ऐसे लगता है मैं क्यों सुनूं यार, मैं तो बड़ा ओवर स्मार्ट हूँ, मुझे खुदा ने बना के बाद में बनाना छोड़ दिया सब, तो मैं फेंकूंगा ये सब। ये दोनों जो खड़े हैं ना आपके मुँह में क्या है, वेरी गुड, खाओ भी मत, और खाओगे खाओ जरूर 100%, लेकिन वो अपने जेब में रखो कचरा, और जहाँ आपको डस्टबिन दिखे घर पे जाके करो। आपको सबको मालूम है कि अभी वोटिंग है 21 तारीख को, किसका किसका नाम है वोटिंग लिस्ट में, आप प्लीज उतरिए, वोट दीजिए, किसको देना है पता है। घड़ी मैंने पहनी नहीं है, ये वाली घड़ी नहीं, बड़ी वाली दूसरी घड़ी है, 10 10 10। हमको बहुत कुछ, हमको और बहुत भी काम आगे करने हैं, मुझे पता है 100% हम लोग शायद आप तक ना पहुँचे होंगे। जानकारी दी, बेसिकली आज 150 गांधी जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़ा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। साथ साथ दान उत्सव जो है जो 2 तारीख से लेकर 8 अक्टूबर के दरमियान में सेलिब्रेट किया जाता है, जो पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मकसद यही रहता है कि आप किसी तरह से डोनेशन फॉर्म्स में कुछ दीजिए, चाहे वो मटेरियल की शक्ल हो, चाहे वो कैश फॉर्म हो, चाहे फिर वो अपना टाइम ही क्यों ना हो। तो आज इस प्रोग्राम को हम लोग स्पेशल बच्चों के ज़रिए पूरे मुमरा में अवेयरनेस कर रहे हैं। सफाई के ऊपर में हम लोग खास तौर पे केयर करने की बात कर रहे हैं, और जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं सेफ्टी ट्रैवल के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी मुमरा में अगर रिकॉर्ड देखें तो 150 प्लस तकरीबन लोग जो है वो डेथ हो जाते हैं साल भर के अंदर में, जो एक्सीडेंटल डेथ मानी जाती है। और यही मकसद है कि जिसके अंदर में रबू नोट जैसे NGO भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करती है, जो इन बच्चों के लिए हमेशा स्नैक्स का इंतज़ाम करती है। तो आज ये तमाम लोग ने मिल करके जो अलग अलग हमारे बच्चों ने मॉडल भी बने हैं, जिसमें कोई अबुल कलाम आज़ाद बना है, रानी लक्ष्मीबाई है, नर्स है, कोई एडवोकेट है, इस तरीके से ये स्पेशल बच्चे अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी तरह से एक रोल मॉडल बन करके पूरे स्टेशन भर में हमने सफाई की है। मैं 150वीं जयंती, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा
कि अपना स्टेशन है, आपका स्टेशन है, आप इसको स्वच्छ रखें, इलीगल तरीके से एक्टिविटी ना करें, कहीं भी स्प्लेटिंग, आप कहीं भी स्प्लेटिंग कर लेते हैं, ऑलरेडी डस्टबिन रखी हुई है, आप उसका प्रॉपर यूज करिए, डस्टबिन आपके लिए रखी है, आप उसको यूज करिए, और कहीं भी स्प्लेटिंग, कभी थूकना, इस तरह की इलीगल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व ना होइए। इन बच्चों के माध्यम से भी एक मैसेज जा रहा है आपको, क्योंकि ये बच्चे आपके हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, जब बच्चों में इतने एनर्जेटिक है, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हमको आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए। स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रहिए, क्योंकि स्वच्छता का मैसेज इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल और सब कुछ स्वच्छ, मतलब हम स्वच्छ, हमारा एनवायरमेंट स्वच्छ, तो हमारी मेंटेलिटी स्वच्छ। इस दौरान बच्चों को अलग अलग वेशभूषा में भी देखा गया। दिव्यांग बच्चों की इस पहल को लोगों ने काफ़ी सराहना की है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।